नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम एंड आई एम सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कल के चार इंट्राडे स्टॉक्स और हम वीडियो के एंड में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स जिन पे कल आप अपना इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे डेली मार्केट अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी से यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यूएस मार्केट तो यहाँ पे डाउ जोन्स, एसएनपी 500 और नैस्डैक एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से यहाँ पे काफी ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ है, जिसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स है उसमें भी एक रिकॉर्ड अपसाइड करेंटली यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे गोल्ड हमें $1740 पे और क्रूड ऑयल अराउंड $64.4 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल आपको मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं उन चार स्टॉक्स को जिन पे कल हम अपना इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है इसमें आज अराउंड 5.4% का एक अपसाइड को देखा गया। आज गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक में हम कंटिन्यूअसली एक बाइंग को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी के लिए स्टॉक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड पे है क्योंकि लास्ट 15 मिनट के कैंडल पे आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी के लिए अगर ये स्टॉक हमें 1270 के ऊपर यहाँ पे कल ओपन होता हुआ दिखाई देता है और कुछ देर तक एटलीस्ट 9:30 तक अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसमें अपना जो बाई ट्रेड है उसे यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो होगा 1282 का, जिसके अचीव होने पे हम 1290 के लेवल को अपने सेकेंड टारगेट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस के तौर पे हम 15 रुपी नीचे यहाँ पे 1255 को एज ए स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं और पहला टारगेट अचीव होने पे हम अपने एंट्री लेवल को एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें जिसमें आज यहाँ पे एक रिकॉर्ड अपसाइड हमें देखने को मिला, जिसके बारे में हमने लास्ट सैटरडे को ही आपको बोला था कि आज आप इसमें अपना यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, आज ऐसा ही हुआ। आज यहाँ पे स्टॉक मोर देन 10% ऊपर यहाँ पे 1938 के लेवल्स पे जाके क्लोज हुआ है। तो अभी के लिए इस स्टॉक में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें भी लास्ट ट्रेडिंग आवर में आप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के जरिए एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी अगर स्टॉक यहाँ पे इवन गैप ऑफ ₹1950 पे यहाँ पे ओपन होता है तो आपको इसमें कल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है और उस केस में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो होगा 1975 का, जिसके अचीव होने पे आप 1990 के लेवल्स को यहाँ पे अपना अगला टारगेट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। इवन कल आपको इस स्टॉक में 2000 तक लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो जिन लोगों के पास इसके स्टॉक है वो लोग अभी के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना यहाँ पे प्रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1930 का और यहाँ पे पहला टारगेट अचीव होने पे आप 1960 को एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और एक बात, अगर वीडियो आपको अभी तक पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को यहाँ पे अपने इंट्राडे स्टॉक को पिक करने में जो प्रॉब्लम आती है वो लोग यहाँ पे काफी आसानी से अपने ट्रेड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सके। तो चलिए देखते हैं अपने तीसरे स्टॉक को। तीसरे स्टॉक में हम देख सकते हैं फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जो कि आज हमें BEL के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। आज स्टॉक ने यहाँ पे कुछ देर तक सेलिंग आने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिलता है, जिसके वजह से इसने अपने 52 वीक हाई के जस्ट नीचे जाके अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी स्टॉक हमें काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए अगर ये स्टॉक कल आपको 146 के ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है तो आप अपना जो लॉन्ग ट्रेड है उसमें यहाँ पे इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो होगा 148 का, जिसके अचीव होने पे आप यहाँ पे 150 को एज ए अपने सेकेंड टारगेट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और
स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 144 का, और अगर पहला टारगेट यहाँ पे अचीव होता है तो आप 146 को ही एज ए अपना ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टॉक है यह है गुजरात गैस, जिसमें आज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के चलते हम एक रिकॉर्ड रैली को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी के लिए स्टॉक 530 के ऊपर काफी हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग आर में इसमें कंटिन्यूअसली एक बुलिश कैंडल को यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अभी अगर ये स्टॉक कल आपको 535 के ऊपर यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे तो इसमें एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो होगा 540 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे पहला टारगेट के अचीव होने पे आप 545 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस है वो हमारे लिए 530 का लेवल है, और जो लोग थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं वो लोग 528 को एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स को, जो कि आज यहाँ पे काफी ऊपर ओपन हुआ और बाद में यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हम इसे 14,650 के करीब अपना लो यहाँ पे फॉर्म करता हुआ देख सकते हैं, लेकिन बाद में फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने की वजह से इसे यहाँ पे अराउंड 14,780 के काफी करीब हम क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। तो कल अगर ये आपको 14,800 के ऊपर यहाँ पे 930 तक ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में आप अपना जो लॉन्ग ट्रेड है उसे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट रहेगा वो होगा 14,900 का लेवल, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप एज ए 14,750 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जिसके टूटने पे आप फ्यूचर ट्रेड में यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लेना यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हैं वो लोग 14,800 के टूटने पे, यानी अगर इसके ऊपर निफ्टी दिखाई देता है तो आप यहाँ पे 14,600 और 14,700 के जो पुट स्ट्राइक्स हैं उसे आप शॉर्ट करना यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को, जो कि आज निफ्टी के तरह ही काफी ज्यादा वोलेटाइल हमें दिखाई दिए, तो इसमें भी अभी के लिए एक कंसोलिडेशन कल आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो कल अगर फ्यूचर ट्रेड में आपको यहाँ पे कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेना है तो आपको 35,400 का यहाँ पे टूटना आपको वेट जरूर करना है, और आप यहाँ पे टारगेट के तौर पे यहाँ पे 35,600 को एज ए अपना टारगेट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 35,250 का लेवल, और जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हैं वो लोग 35,300 के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर 930 तक यहाँ पे सस्टेन करता है वो लोग 35,200 तक जो पुट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसे यहाँ पे शॉर्ट करना यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी ज्यादा वोलेटाइल है तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी प्लेस करना होगा, तो ऑप्शन ट्रेड में आप एटलीस्ट 20% का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अपने बिट पे आपको 20% तक यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना है। With this, we will end this video. I hope you liked it. If you liked it, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon so you will never miss any update once we upload our video. Until then, join our Telegram group, and those who want to join our membership plan where we provide model portfolio access and all the details about our swing trades and positional trades, then you can join from the link provided in the description and pinned comment below. Until then, I will see you in the next one, and thanks for watching.